कथामृतं तप्त जीवनं कविपीड़ितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं कुविगृणन्ति ये भूरिदा जना। श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद 60। दिसंबर 1883 रविवार, श्री राम कृष्ण अपने कमरे में दक्षिणेश्वर में भक्तों के साथ बातचीत कर रहे हैं। आज रविवार होने के कारण बहुत सारे भक्त श्री राम कृष्ण के पास आए हैं और श्री राम कृष्ण ने नाना चर्चाएं की थी। और पिछली बार हमने इसके तीसरे सेक्शन का पाठ किया था, जिसमें राजा जयमल का वर्णन है। जयमल जो एक शुद्ध चित्त भगवत भक्त राजा थे और उन्हें भगवान का श्यामल श्याम सुंदर श्री कृष्ण का भजभक्ति करते थे और हमने उनकी सारी कथा उस जयमल भक्तमाल नामक ग्रंथ से उसका जो अनुवाद है वह यहाँ पर हमें दिया था। हमने उसमें पढ़ा था कि किस प्रकार वे पूजा कर रहे थे और उसी समय दूसरे राजा ने आक्रमण किया और श्री कृष्ण एक सिपाही बनकर घोड़े पर बैठकर अकेले उन्होंने उस राजा को परास्त कर दिया। इतनी चर्चा हमने पढ़ी थी। अंत में जो राजा हार गया वो कहता है, इतने प्रतिद्वंद्वी राजा प्रतिस्पर्धी राजा उनके समीप आया, हाथ जोड़कर विनती करने लगा। वह बोला, आपके एक सिपाही ने अकेले ही इतना आश्चर्यजनक युद्ध किया कि उनके सामने कोई टिक न सका, वह अवश्य ही त्रिलोक विजयी है। महाराज, मैं आपका धन या राज्य नहीं चाहता, बल्कि आप चलकर ही मेरा राज्य ले लें, परंतु आप मुझे इतना बतलाइए कि वह सांवला सिपाही कौन था। केवल एक बार दर्शन देकर उसने मेरा मन हर लिया। जयमाल को समझने में देर न लगी कि यह सब श्यामल सुंदर का ही खेल है। यह मार मर जानते ही प्रतिद्वंदी राजा जयमाल के चरण पकड़कर स्तव करने लगे और कहने लगे कि जिसके कारण मुझ पर कृष्ण की कृपा हुई उन आपके चरणों में मैं शरण लेता हूं, कृपया कीजिए कि वह श्यामल सिपाही मेरा स्वीकार करे। यह सुंदर घटना कथा हमने पिछली बार पढ़ी थी। इस प्रकार की घटनाएं भक्तों के जीवनी में और भी आती है। एक रघुनाथ दास करके एक सिपाही थे, ये कहाँ है मैंने कोई याद नहीं आ रहा, लेकिन रामकृष्ण मिशन में ये प्रचलित है। संभवतः स्वामी विवेकानंद ने भी उसका उल्लेख किया है। एक रघुनाथ दास सिपाही थे, एक आर्मी में थे और पलटन में रहते थे, गार्ड का काम करते थे और रात को एक राम का भजन करते हुए कीर्तन पार्टी उनके सामने से निकलती थी। वो अपने आप को भगवान राम के भक्त थे, अपने आप को वो संवरण नहीं कर पाते थे और वो कीर्तन में चले जाते थे। याद रखिए, गार्ड की ड्यूटी, वो भी आर्मी में, लोगों ने शिकायत की ऑफिसर से कि ये तो रात को ड्यूटी पे नहीं रहता, चला जाता। तो जो ब्रिटिश ऑफिसर था उसने चेक किया, कहा ठीक है मैं खुद जाके देखूंगा। वो गया तो वहां तो ऐसा है कि जैसे आप गार्ड पर जाओ तो एक कोड वर्ड होता है, आपको बोलोगे तो उसका जवाब देना चाहिए, जो पुलिस वाला वो होगा। जैसे ही उन्होंने कोड वर्ड बोला, वहां पर देखा रघुनाथ दास वहां खड़े हुए हैं और उन्होंने तत्काल उस कोड वर्ड का जवाब दे दिया। इनको निश्चिंत हो गया कि यहाँ पे ड्यूटी पे है और यही ऑफिसर है, यहाँ पे गार्ड है, कहीं गया नहीं। उसके बाद दो एक बार फिर चेक किया, वहां पर गार्ड रघुनाथ दास मिला। लेकिन दूसरे दिन रघुनाथ दास खुद आए वहां पर और कहा कि साहब मैं रिजाइन करना चाहता हूँ। क्यों? मैं ड्यूटी से मैंने काम नहीं किया, ड्यूटी पे नहीं रहा, मैं चला गया था। तो क्या नहीं तुम तो थे, मैंने चेक किया कि नहीं साहब मैं तो चला गया था कीर्तन के। नहीं मैंने कैसे मानूं, मैं गया था, मैंने खुद देखा तुमको और तुमको
यानी कोड वर्ड एक्सचेंज किया उनका जो होता है, और तुम वहां पे थे, मैं कैसे मानूं। और तब उनको समझ में आया कि भगवान राम उसके बदले में गार्ड बनकर वहां पर उन्होंने ड्यूटी की। फाइनली रिजाइन करके वो चले गए, अयोध्या गए या कहाँ चले गए, और एक आगे चल के उच्च कोटि के संत बने। तो इस प्रकार की घटनाओं का वर्णन हम अनेक स्थानों पर भक्तों के जीवन में प्राप्त करते हैं। पाठ समाप्त होने के बाद श्री रामकृष्ण मास्टर के साथ बात कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, इन बातों पर तुम्हारा विश्वास होता है? घोड़े पर सवार होकर उन्होंने सेना नाश किया था, इन सब बातों पर क्या तुम्हें विश्वास होता है? और ये ठीक भी है, ये कई प्रकार के संतों के जीवनी में अगर पढ़ेंगे तो इस प्रकार की बातें हैं। ईसाई संतों के जीवनी में भी है, सभी संतों के जीवनी में है। भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। ये यत जब अगर अनन्याश्चिंतयन्तो माम, अगर अनन्य भाव से पूरे मन से मेरा चिंतन यदि कोई करे तो मैं उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। ऐसी बहुत सारी घटनाएं, अब वो सत्य कितनी है यही श्री रामकृष्ण पूछ रहे हैं, इस पर विश्वास होता है? मास्टर कहते हैं, भक्त ने व्याकुल होकर उन्हें पुकारा था, इस पर विश्वास होता है? श्री भगवान को उसने ठीक ठीक सवार करते देखा था या नहीं, सवारी करते देखा था या नहीं, ये समझ में नहीं आता। वे सवार होकर आ सकते हैं, परंतु उन लोगों ने उन्हें ठीक ठीक देखा था या नहीं, इस पर विश्वास नहीं जमता। मास्टर महाशय अपना विचार कह रहे हैं कि आधी बात मास्टर महाशय कहते हैं कि ठीक ठीक वैसा जैसा उसने देखा था वैसा होता है कि नहीं, ये बड़ा मुश्किल है कहना। श्री रामकृष्ण हंसते हुए कहते हैं, पुस्तक में भक्तों की अच्छी कहानी या कथाएं लिखी हैं, परंतु हैं सब एक ही ढर्रे की, जिनका दूसरा मत है उनकी निंदा लिखी। इस प्रकार की कथा है, जिसे मैंने कहा भक्त विजय मराठी ग्रंथ है, बड़ा सुंदर ग्रंथ है। मैंने संभवतः पढ़ के आपको उसकी कहानियां भी सुनाई होंगी। उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन मोतीलाल बनारसीदास ने भी छापा है, पोएट्री में नहीं, प्रोज में, इंग्लिश में। बड़ी सुंदर किताब, बड़ी सुंदर, पढ़ने से आनंद आता है। अगर आपको इस प्रकार की जैसे ये घटना है इनका सब आपको रुचि हो तो भक्तों को बहुत आनंद आए, और खास करके वो सब के सब वो विट्ठल जो अपने पंडरपुर के जो भगवान श्री कृष्ण का विग्रह है उससे संबंधित बहुत हैं। और जब वो पढ़ा था तो उसके बाद मुझे पुणे जाने का अवसर मिला था, तो महाराज से कह सुनकर मैं वहां से विट्ठल जी के दर्शन करने गया भी था, मैं इतना उससे प्रभावित हुआ था। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं कि ये भक्तों की माँ कहानियां अच्छी हैं, लेकिन एक ढर्रे की, एक ही प्रकार, यू नो, आप देखेंगे कि सब एक प्रकार की बातें हैं, चमत्कार हैं, भक्त भगवान भक्त की रक्षा कर रहे हैं, उनके योग से वहन कर रहे हैं इत्यादि की है, और दूसरे मत की निंदा जो श्री राम कृष्ण को पसंद नहीं आता। वो बीच बीच में वहां पे कुछ ऐसी बातें लिख देंगे कि वो अद्वैत मत हो या दूसरा मत हो उसकी निंदा कर देंगे। दूसरे दिन सुबह को बगीचे में खड़े हुए श्री राम कृष्ण वार्तालाप कर रहे हैं। मणि कहते हैं, तो मैं यहां आकर रहूंगा। बगीचे में मास्टर महाशय की इच्छा है कि वो वहां जाकर रहे। इसके पहले भी हमने देखा था मास्टर महाशय बहुत दिनों तक, 15 दिन तक, वो क्रिसमस के जो टाइम था, क्रिसमस की छुट्टियों में वो सारा समय 15 दिन तक श्री मास्टर महाशय श्री रामकृष्ण के पास दक्षिणेश्वर में रहे थे। अब दूसरी बातें हो रही हैं, उसको हम संक्षेप में देख कर आगे चलेंगे। मास्टर कहते हैं, अच्छा तुम लोग जो इतना आया करते हो इसकी क्या मानी है? साधु को लोग ज्यादा से ज्यादा एक बार आकर देख जाते हैं, तुम इतना आते हो इसके क्या मानी? मणि तो चकित हो गए। श्री राम कृष्ण स्वयं ही इस प्रश्न का उत्तर देने लगे। श्री राम कृष्ण मणि से कहते हैं, अंतरंग न होते तो क्या आते? अंतरंग अर्थात आत्मीय, अपना आदमी, जैसा पुत्र, जैसा पिता पुत्र भाई बहन, सब बातें मैं नहीं कहता, नहीं तो फिर क्यों आओगे? सुखदेव ब्रह्मज्ञान पाने के लिए जनक के पास गए थे। जनक ने कहा, पहले दक्षिणा दो।
सुखदेव ने कहा, जब तक उपदेश नहीं मिल जाता तब तक कैसे दक्षिणा दूं? जनक ने हंसते हुए कहा, तुम्हें ब्रह्मज्ञान हो जाने पर फिर गुरु और शिष्य का भेद थोड़े ही रह जाएगा, इसलिए हमने पहले दक्षिणा की बात कही। ये एक इंटरल्यूड जिसे कहते हैं ना, उपदेशों की चर्चा नहीं है यहाँ पर, श्री रामकृष्ण मास्टर के साथ बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं। और यह भी एक रोचकता श्री रामकृष्ण वचनामृत की है कि इसके बीच में कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं जिनका संबंध नहीं, इससे उसकी रुचि बनी रहती। केवल उपदेश हो तो वो अच्छा नहीं लगे। जीसस क्राइस्ट ने भी इसी प्रकार अपने शिष्यों से प्रश्न किया करते थे, तुम आप मुझे किस पर क्या समझते हो? मास्टर महाशय से भी श्री रामकृष्ण यही पूछते हैं, तुम क्यों आते हो, यहां इतने क्यों आते हो? और उसका उत्तर स्वयं कहते हैं, अंतरंग न होते तो क्या आते। अंतरंग कहते हैं आत्मीय, अपना आदमी। एक कभी कभी होता है जीवन में, एक परिवार के संबंध तो होते हैं, आत्मीय का अर्थ होता है परिवार के संबंधित, माता पिता पुत्र भाई बहन, इनको हम आत्मीय कहते हैं। लेकिन कभी कभी एक आध्यात्मिक संबंध, दूसरे प्रकार का भी संबंध होता है। कभी कभी किसी व्यक्ति से मिल लेते हैं, वो सारा संबंध जो है घनिष्ठ संबंध सारे जीवन बना रहता है। एक दूसरा होता है आध्यात्मिक संबंध, और कभी कभी यह जो संबंध आध्यात्मिक संबंध है, यह जो ब्लड रिलेशन है, परिवार का संबंध जो है, जन्म से हमें जो संबंध प्राप्त हुआ है उससे भी घनिष्ठ होता है। एक नया परिवार, न्यू फैमिली, स्पिरिचुअल फैमिली, और इसके बंधन और संबंध और भी अधिक घनिष्ठ होते हैं। जैसा कि मैंने संभवतः आपको कहा था, कभी मैं जब साधु बनना चाहता था तो मेरे पिताजी मेरे गुरुदेव के पास जाकर बोले थे, उनको चिंता हो गई थी कि मैं पुत्र उनका चला जाऊंगा, साधु बन जाऊंगा। मेरे गुरुदेव ने कहा था, यू विल नॉट लूज मी एज योर सन, ही विल बिकम ए मेंबर ऑफ ए बिगर फैमिली, नए बड़े परिवार का एक सदस्य बन जाएगा। तो ये आध्यात्मिक संबंध होते हैं जो बहुत अधिक गहरे होते हैं। क्यों? क्योंकि रक्त के संबंध तो शरीर से संबंधित होते हैं, आध्यात्मिक संबंध आत्मा से संबंधित होते हैं। और आप देखते हैं कि जानेंगे कि रक्त के संबंध वाले कभी रहता है कभी नहीं रहता, उसके बाद छूट जाता है, चला जाता है, कोई पूछते भी नहीं है, इस प्रकार की बात हो जाती है। कभी कभी जो आत्मीय जो परिवार के संबंध है उसमें झगड़ा फिसाद भी हो जाए, एक सूचे झगड़ा भी हो जाता है, शत्रु बन जाते हैं। लेकिन ठीक ठीक आध्यात्मिक संबंध जब भगवान को लेकर होता है तो उस संबंध में ये चीज नहीं होती। और इसीलिए आवश्यक है एक बार भगवान से संबंध स्थापित कर लीजिए और उसके बाद संसार के सभी व्यक्तियों से के साथ संबंध स्थापित करिए। जैसे अगर आप केवल संसारिक संबंध में रहेंगे तो यह संभावना है कि अगर इसमें विरह होगा, कभी मिलन होगा, विरह होगा। लेकिन जब आप भगवान के साथ संबंध स्थापित कर लेंगे तो उसके बाद भगवान के माध्यम से आप संसार के समस्त प्राणियों के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं। यहां पर श्री रामकृष्ण संभवतः उसी प्रकार का संकेत दे रहे हैं कि तुम अंतरंग हो, आत्मीय हो, आध्यात्मिक संबंध है, और इसीलिए तुम अपने पास इतने आते हो। और जो आत्मीय होते हैं उनका संबंध जब मिलते हैं, अपने मित्रों से मिलते हैं, आध्यात्मिक मित्रों से, तब अधिक आनंद आता है। और संसारी लोगों से मिलते हैं, दूसरे लोगों से, तो लगता है कि अरे ये नहीं अच्छा, जम नहीं रहा है। दूसरे लोगों से मिलना, हमारे भाभी और ये इधर उधर के परिवार के दूसरे जो डिस्टेंट रिलेशंस हैं उसमें वो सब अच्छा नहीं लगता। खैर, जो उसके बाद में श्री रामकृष्ण एक और बात कहते हैं, मैं सब बातें नहीं कहता, और फिर दृष्टांत देते हैं सुखदेव और जनक का। और ये पौराणिक कथा इस प्रकार की है कि सुखदेव जनक के पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए, और कथा है इसके बाद और भी कुछ घटनाएं हैं, लेकिन जनक ने कहा कि पहले दक्षिणा दो। अब दक्षिणा तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद दी जाती है,
जैसे पांडव कौरवों ने जब द्रोणाचार्य से युद्ध विद्या सीख ली, उसके बाद में उन्होंने दक्षिणा मांगी थी। आप जानते हैं उन्होंने कहा था कि द्रुपद को हराकर उसको बंदी बनाकर लाओ, ये दक्षिणा मांगी थी। संदीपनी ऋषि ने भगवान श्री कृष्ण की जब शिक्षा पूर्ण हो गई उसके बाद में दक्षिणा मांगी थी। यहां उल्टा होता है आजकल, तो पहले फीस देनी पड़ती है, वहां पहले गुरु शिक्षा देते थे उसके बाद में फिर दक्षिणा मांगते थे। डॉक्टरी में भी ऐसा ही, पहले फीस देना पड़ती है। पहले जमाने में डॉक्टरी देख लिया, बीमार देख लिया और उसके बाद में दक्षिणा दी जाती थी। तो संदीपनी ऋषि ने जब श्री कृष्ण को शिक्षा दे दी उसके बाद में कहा था कि हमारा पुत्र समुद्र में डूब गया है, उसको वापस ला दो। तो शिक्षा के बाद में दक्षिणा दी जाती है। लेकिन श्री राम यहां सुखदेव को जनक कहते हैं पहले दक्षिणा को। क्यों कहते हैं? तुम्हें ब्रह्मज्ञान होने के बाद फिर गुरु शिष्य का भेद थोड़ी ही रह जाएगा, फिर कौन देगा दक्षिणा? मेरी दक्षिणा ही खत्म हो जाएगी, आई विल बी ए लूजर। अरे तो इसलिए पहले ही दक्षिणा की बात कही। श्री रामकृष्ण दूसरे संदर्भ में कह रहे हैं, एक रोचक चीज हो गई और कुछ नहीं, मैं तुमको सब बातें नहीं कहता। अब तुमको बातें बता दी, सब बता दिया तो फिर क्यों आओगे? ऐसी बात नहीं, ये तो मजाक करते हुए श्री रामकृष्ण कहते हैं। श्री रामकृष्ण के पास स्वामी विवेकानंद जाते थे तो केवल शिक्षा प्राप्त करने के लिए थोड़ी जाते थे। कुछ दिनों तक, एक महीने तक एक बार स्वामी विवेकानंद से स्वामी श्री रामकृष्ण ने बात नहीं की। जाते थे नरेंद्र, बैठते थे और श्री रामकृष्ण मुंह फोड़ के दूसरे तरह से बात करने लग जाते थे। श्री रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद कुछ देर बैठते थे, उठ के चले जाते थे। लेकिन एक महीने तक कोई बात नहीं की, कोई उपदेश नहीं दिया। तब श्री रामकृष्ण ने पूछा, क्यों रे तू आता है, मैंने तुझसे बातचीत तक नहीं की, तू फिर भी आता रहा? तो कहा कि मैं केवल बात सुनने थोड़ी आता हूं, आपके उपदेश सुनने थोड़ी आता हूं। मुझे आप, मैं आपको प्यार करता हूं, आपको देखकर अच्छा लगता है, इसलिए श्री रामकृष्ण बहुत खुश हुए थे। दूसरा कोई व्यक्ति होता तो ऐसी उपेक्षा स्वीकार नहीं करता, ऐसी उपेक्षा को सहन नहीं करता। ऐसी उपेक्षा इतना आसान नहीं है सहन करना। संसार में कोई बात नहीं करे दो चार दिन तो कर दे, अरे छोड़ो छोड़ो, वो तो ऐसा ही है, ऐसा छोड़ो। ये प्रेम का आकर्षण। और यहां पर श्री रामकृष्ण ने भले ही कहा कि मैं सब बातें नहीं कहता, नहीं तो फिर क्यों आओगे, लेकिन मास्टर महाशय से अगर सब बातें कह भी देते तो भी मास्टर महाशय आते। और सच पूछा जाए तो आध्यात्मिक ज्ञान की कोई इति नहीं, अंत नहीं। आध्यात्मिक अनुभूतियों की भी इति और अंत नहीं है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद में, सब बातें बताने के बाद में, आप साधना जब करेंगे, जब आगे आप बढ़ेंगे तो आपके जीवन में समस्याएं आएंगी, तब फिर गुरु के पास आएंगे। ज्ञान तो सारा बता दिया आपने, लेकिन अब क्या करूं, मैं तो अटक गया, ऐसा भी होता है। आध्यात्मिक जीवन में न तो उपदेशों की इति होती है और न आध्यात्मिक अनुभूतियों की इति होती है। कोई लिमिट नहीं है, देयर इज नो लिमिट टू स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। जैसे जैसे व्यक्ति आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे अधिकाधिक अनुभूति होती जाती है। और सच पूछा जाए तो एक स्थिति ऐसी आती है कि जब उसका मन ही गुरु हो जाता है, भले ही सारी बातें उन्हें गुरु से नहीं मिली हो तो भी उसका मन गुरु हो जाता है, वह अपने आप उन बातों को अधिक अधिक समझने लग जाता है। इसके आगे क्या एक अंतिम छोटा सा सेक्शन है जिसमें उपदेश नहीं, मास्टर महाशय विचार कर रहे हैं, अपने बातें रख रहे हैं। शुक्ल पक्ष है, चांद निकला है, मणि काली मंदिर के उद्यान के रास्ते पर टहल रहे हैं। रास्ते के एक ओर श्री राम कृष्ण का कमरा है, नौबत खाना बकुलतला और पंचवटी है, दूसरी ओर ज्योत्सनापूर्ण भगीरथी बह रही है। आज भी वो रास्ता है, वही भवन है, थोड़ा गंदा अधिक हो गया है,
पंचवटी करीब करीब वो वृक्ष तो है लेकिन छोटा हो गया है, कट गया है, देखकर कभी कभी दुख होता है, लेकिन काल के प्रवाह में ये चीजें होती है। मणि मन ही मन कह रहे हैं, ये मणि और मास्टर दोनों एक ही है। मास्टर महाशय अपना नाम बदल बदल कर अलग अलग नाम लिखा करते थे। सोच रहे हैं क्या सचमुच ही ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। श्री रामकृष्ण तो ऐसा कहते हैं, उन्होंने कहा कि थोड़ी साधना करते ही कोई आकर बता देगा ऐसा करो ऐसा ऐसा करो, अर्थात उन्होंने थोड़ी साधना करने के लिए कहा है। अच्छा, मेरा तो विवाह हो चुका है, लड़के बच्चे भी हैं, क्या इतने पर भी ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है? थोड़ा सोच कर कहते हैं अवश्य ही किया जा सकता है, नहीं तो ये वैसा क्यों कहते, उनकी कृपा होने से क्यों न होगा। बड़ी महत्वपूर्ण बात, बड़ी सुंदर बात। मास्टर महाशय अपने विचार कर रहे हैं, श्री राम कृष्ण के उपदेशों पर एक निर्णय उन्होंने लिया है कि ईश्वर दर्शन जीवन का उद्देश्य है, ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं और गृहस्थ होते हुए भी, संसार में होते हुए भी ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। एक बहुत बड़ा आश्वासन। सच पूछा जाए तो श्री रामकृष्ण के बहुत सारे गृहस्थ शिष्य थे, उन्होंने बहुत सारे गृहस्थों को उपदेश दिया। श्री रामकृष्ण वचनामृत में जितनी बातें लिपिबद्ध है ये अधिकांश गृहस्थों को संबोधित है। जो संन्यासियों को संबोधित है उसका तो उल्लेख यहां नहीं है, वह श्री रामकृष्ण के शिष्यों की जीवनी में हमें थोड़ा मिल जाता है। और वे जब बोलते थे तो वो अलग, काफी एजोटेरिक अंदर बातें जो थी वो अलग रहती थी, वो उनके शिष्यों के उपदेशों में उनकी जीवनी में आपको मिल जाएंगे। लेकिन यहां पर तो सारी बात अधिकांश गृहस्थों को कही गई, गृहस्थों को संबोधित करके, गृहस्थों को लक्ष्य करके कही गई। यहां तो नरेंद्र नहीं, राखाल है कभी कभी, लाटू राखाल, उसका उल्लेख किया मास्टर महाशय को संबोधित करके। तात्पर्य यह है कि श्री रामकृष्ण वचनामृत केवल संन्यासियों का ग्रंथ नहीं है, ये गृहस्थों का ग्रंथ भी है और गृहस्थ भी भगवत दर्शन कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा आश्वासन। श्री रामकृष्ण केवल संन्यासियों के लिए नहीं आए थे, गृहस्थों के लिए भी आए थे। और गृहस्थों के लिए केवल इसलिए नहीं आए थे कि वे शांति से जीवन व्यतीत कर सके, संसार के घात प्रतिभातों को वे सहन कर सके, यह सिखाने मात्र के लिए नहीं आए थे। वे तो उन्हें यह बताने के लिए आए थे कि संसार में रहते हुए कैसे भगवान में मन लगाया जा सकता, कैसे भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। और मास्टर महाशय स्वयं कहते हैं कि श्री रामकृष्ण ने कहा है, अभी इसी सेक्शन में हमने पढ़ा था, श्री रामकृष्ण कहें कि थोड़ा आगे चलो, देखो कि कोई कहेगा ठीक है ये रास्ता है, ये रास्ता, मन हमारा गुरु बन जाएगा। आध्यात्मिक अनुभूति की वो गहराई जो श्री रामकृष्ण को थी, अनुभव हुई थी, ये भले ना होवे। श्री रामकृष्ण कहते थे मैं माँ जगदम्बा को इस प्रकार देखता हूं जैसे मैं तुम्हें देखता हूं, उससे स्पष्टतर रूप से देखता हूं। भले इतना ना होवे लेकिन हम भी कम से कम थोड़ा तो अनुभव होवे कि हाँ भगवान सत्य है, हमारे निकट है, उनका थोड़ा सा अनुभव तो अवश्य इस जीवन में प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त करना चाहिए। श्री रामकृष्ण कहते हैं हमने हमारे जो कंप्यूटर है उसके ऊपर हमने जो स्क्रीन होता है उसके ऊपर हमने एक श्री राम कृष्ण की का चित्र लगा रखा, उसके नीचे एक कोटेशन लिखा है कि जो व्यक्ति, इंग्लिश में है, जो व्यक्ति मानव जन्म प्राप्त कर के भी भगवान का दर्शन करने का प्रयत्न नहीं करता वह अभागा है। हिज लाइफ इज इन वेन, हु हैविंग बीन बॉर्न एज अ ह्यूमन बीइंग डज नॉट स्ट्राइव टू अटेन गॉड, टू सी गॉड, हैज अ विजन ऑफ गॉड। तो अगर भगवान का दर्शन असंभव ही होता गृहस्थ जीवन में तो फिर श्री रामकृष्ण क्यों कहते, बार बार क्यों कहते? भले कठिन होवे, श्री रामकृष्ण तो यहां तक कहते हैं गृहस्थी में, संसार में गृहस्थ में रहकर भगवान को दर्शन करना आसान है, सन्यासी को तो इधर उधर भटकना पड़ता है खाने के लिए, गृहस्थ तो ये किले में रहकर युद्ध करने के समान है।
बहुत सारी सुविधाएं हैं, खाने पीने की सुविधा, इधर उधर भटकना नहीं है, कंफर्ट है, झंझटें बहुत सारी कम है। अब उसके अंदर प्रत्येक व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो कैसे उसमें से अपने जीवन को निकाले, कैसे भगवान को प्राप्त करने का प्रयत्न करे। तो उनकी कृपा होने से क्या नहीं होगा, भगवान कृपा करते, कृपामय है वो, तो देखते हैं अरे कुछ थोड़ा सा प्रयत्न करे कि कहते हैं यह लो। सेंट्रा ब्रदर लॉरेंस कहते हैं, मैंने बताया था आपको, एक ईसाई संत, बड़ी सुंदर पुस्तक है प्रैक्टिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड, उसमें वो कहते हैं 80 वर्ष की उम्र 60 वर्ष की एक सन्यासिनी नन को पत्र लिखते हुए कहते हैं, वो कहते हैं कि I am 80, यू आर 60, लेट अस बिगिन नाउ, इट इज नॉट टू लेट। तुम्हारी 60 वर्ष की उम्र है, मेरी 80 की है, लेकिन चलो स्टार्ट करो, शुरू करो, कोई संकोच की बात नहीं। ऐसा मत सोचो कि बहुत देर हो गया, अब क्या होगा, संभवतः भगवान बैठे हुए हैं कृपा करने के लिए। जैसे तुम करोगे तो कृपा करने के लिए तैयार बैठे, भगवान तो कृपा करना चाहते, हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती। श्री राम कृष्ण मास्टर महाशय यही कहते हैं, उनकी कृपा से क्यों नहीं होगा, अवश्य ही ईश्वर दर्शन किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि श्री राम कृष्ण ने कहा है, सामने यह जगत दिखाई दे रहा है, ये सूर्य चंद्र तारे जीव 24 तत्व ये सब कैसे उत्पन्न हुए, इनका कर्तार कौन है, मैं उनका कौन हूं, यह न जानने पर जीवन ही व्यर्थ है, भगवान के साथ संबंध स्थापित किए बिना जीवन व्यर्थ। श्री राम कृष्ण पुरुष श्रेष्ठ है, ऐसे महापुरुष मैंने जीवन में आज तक नहीं देखे, इन्होंने अवश्य ही ईश्वर को देखा है, अन्यथा ये मामा कहते हुए दिन रात किसके साथ बातचीत करते रहते हैं, अन्यथा ईश्वर पर इनका इतना प्रेम कैसे हो सकता है, इतना प्रेम कि एकदम बाह्य ज्ञान रहित हो जाते हैं, समाधि मग्न जड़वत हो जाते हैं, फिर कभी प्रेम में मतवाले होकर हंसते रोते नाचते और गाते। मास्टर महाशय, श्री राम कृष्ण की भगवत तन्मय अवस्था का संक्षेप में वर्णन करते हुए अपने विचार बताते हैं। परिच्छेद 61। आज अगहन की पूर्णिमा और संक्रांति है, दिन शुक्रवार 14 दिसंबर 1883, दिन के 9 बजे होंगे। श्री रामकृष्ण अपने कमरे के दरवाजे के पास दक्षिण पूर्व के बरामदे में खड़े हैं, पास ही रामलाल है, राखाल और लाटू भी कहीं इधर उधर पास ही है थे। मणि ने आकर भूमिष्ठ प्रणाम। अब मास्टर महाशय जब ये वर्णन करते हैं, जिन लोगों ने दक्षिणेश्वर दर्शन किया है उन लोगों को चाहिए कि अपने सामने उसको विजुलाइज करें, श्री राम कृष्ण कहाँ खड़े हुए हैं, दक्षिण पूर्व का जो बरामदा है उसमें खड़े हुए हैं, और नहीं तो श्री राम कृष्ण के कमरे का चित्र और उसका जो डिजाइन है, उसका जो खाका है, उसको देख ले के पता लगा ले कि दक्षिण पूर्व बरामदा कौन सा है, उत्तर पूर्व बरामदा कौन सा है, उत्तर का बरामदा कौन सा है और पश्चिम का बरामदा कौन सा है, गोल बरामदा। छोटे छोटे हैं, ज्यादा बड़े है नहीं है ये। श्री राम कृष्ण ने कहा, आ गए, अच्छा हुआ, आज दिन भी अच्छा है, मने कुछ दिन श्री राम कृष्ण के पास रहेंगे, साधना करेंगे। श्री राम कृष्ण ने कहा है, थोड़ी साधना करते ही कोई आकर तुम्हें बता देगा ऐसा ऐसा करो वो। इसके पहले की बात, मास्टर ने कहा बगीचे में आकर रहना चाहते हैं, मास्टर आ गए। श्री राम कृष्ण ने इनसे कहा है, यहाँ अतिथिशाला का अन्न तुम्हारे लिए रोज खाना उचित नहीं है, यह साधुओं और कंगालों के लिए है, तुम अपना भोजन पकाने के लिए एक आदमी ले आना। इसीलिए उनके साथ एक आदमी भी आ गया, गृहस्थ है, और गृहस्थ को दूसरे पर आश्रित नहीं होना है, साधु लोग हैं, उनका घर बार नहीं होता, कुछ साधु तो अग्नि को स्पर्श नहीं करते, खुद पका नहीं सकते, साधु भिक्षा मांग के खाएंगे, कोई अन्न छत्र है, अन्न क्षेत्र है जहां से मिलता है खाना, या तो सीधा यानी अनकुक्ड खाना, चावल
दाल कुछ मिल गया तो खुद पका कर खाते हैं या फिर पका हुआ खाते हैं। तो ये भिक्षा का विधान साधुओं के लिए है और साधु के लिए भिक्षा को पवित्र माना गया है, श्रेष्ठ माना गया है। ये साधुओं की भिक्षा ये कोई भिखारी जैसा भीख मांगते हैं वैसी नहीं होती। साधु एक डिग्निफाइड रूप में, एक सम्माननीय व्यक्ति के रूप में जाता है, भगवान का नाम लेते हुए जाता है, अपने हृदय में भगवान को लेकर जाता है। और जब वो वहां जाता है तो एक प्रकार से वो गृहस्थ के ऊपर एक प्रकार की वे अनुकंपा करता है। जब वो जाता है तो गृहस्थ को भगवान की याद आती है, उसको अवसर मिलता है कुछ दान करे, कुछ पुण्य कमाए। तो इस प्रकार से, और वो साधु जब जाता है भिक्षा के नियमों के द्वारा कैसे इस प्रकार से रहे, इस प्रकार से भिक्षा ले कि उसको किसी गृहस्थ को किसी प्रकार से कष्ट न होवे, जब सबने खाना खा लिया उसके बाद जावे, जिससे जो बचा कुचा है वो मिले, किसी दूसरे के अन्न को वो छीने नहीं। ऐसे सारे बहुत बड़े विधान नियम हैं भिक्षा मांगने के, जिसके अनुसार सन्यासी भिक्षा मांगते हैं। लेकिन जहां तक गृहस्थ का प्रश्न है, मास्टर महाशय कहते हैं कि यह जो छन्न छत्र है, ये जो अतिथिशाला है, ये सन्यासियों के लिए है, भिखारियों के लिए है, तुम मत लेना। तुम अपना भोजन पकाने के लिए एक आदमी लेना ना, इसीलिए उनके साथ एक आदमी भी आया है। उनका भोजन कहाँ पकाया जाए इसकी व्यवस्था कर दी गई, वे दूध पिएंगे। इसके लिए श्री रामकृष्ण ने रामलाल को अहीर से कह दिया, दूध वाले से कह दिया, वो दूध दे जाएगा, उसको वो पेमेंट कर देंगे। रामलाल अध्यात्म रामायण पढ़ रहे हैं और श्री रामकृष्ण सुन रहे हैं, मणि भी बैठे हुए सुन रहे हैं। हम लोग, आप लोगों ने अध्यात्म रामायण कुछ हमने पाठ किया था तो आप उससे थोड़ा सा ग्रंथ से परिचित हैं। श्री रामकृष्ण को यह ग्रंथ अत्यंत प्रिय था। श्री रामकृष्ण कहते थे, और सच पूछा जाए अध्यात्म रामायण में राम जी की कथा कम है, बीच बीच में उपदेश अधिक है, बहुत सारे उपदेश हैं, अद्वैत वेदांत के, द्वैत के, भक्ति के, तंत्र के, कुंडलिनी के, योग के, बहुत सारे उपदेश अध्यात्म रामायण में सुन रहे हैं। श्री रामचंद्र जी सीता से विवाह करके अयोध्या लौट रहे हैं, रास्ते में परशुराम से भेंट हुई। अध्यात्म रामायण में वर्णन इस प्रकार का है कि परशुराम जो धनुष का, शिव जी का धनुष जब तोड़ा गया तो उसको उसके बाद जनक जी के सभा में नहीं पहुंचे, वहां पर सभा में नहीं पहुंचे। जब राम वापस लौट रहे थे तब रास्ते में परशुराम जी से मुलाकात हुई। रामचंद्र ने शिव का धनुष तोड़ डाला है, यह सुनकर परशुराम रास्ते में बड़ा गुलगपाड़ा मचाने लगे। मारे भय के दशरथ के होश ही उड़ गए। वहां दशरथ हैं, यहां जनक थे नहीं, उस समय नहीं, दशरथ आए थे, विवाह हो गया था, उसके बाद जा रहे। परशुराम के ने एक दूसरा धनुष राम के हाथ को देकर उस पर उन्हें गुण चढ़ा देने के लिए कहा। राम ने कुछ मुस्कुराकर बाएं हाथ से धनुष लेकर गुण चढ़ाकर उसमें टंकार किया। शरासन में शर योजना करके परशुराम से उन्होंने कहा, अब यह बाण कहां छोड़ू, कहो परशुराम। परशुराम का दर्प चूर्ण हो गया, वे श्री रामचंद्र को परब्रह्म कहकर उनकी स्तुति करने लगे। ये बात, ये सारा वर्णन रामचरितमानस में भी है। दूसरा विष्णु का धनुष दिया, उसको भी भगवान राम ने उस पर प्रत्यंचा लगाकर एक धनुष बाण का संयोजन किया और कहा कि बताओ कहाँ बाण, एक बार बाण निकालकर उसको संयोग किया तो वापस नहीं रह जा सकता ये। तब कोई उसके अलग अलग प्रकार के इंटरप्रिटेशंस हैं, उसके बाद क्या हुआ इत्यादि। और तब परशुराम का दर्प चूर्ण हो गया, वे श्री रामचंद्र को परब्रह्म कहकर उनकी स्तुति करने लगे। और सच पूछा जाए परशुराम भी भगवान के अवतार थे, विष्णु के अवतार थे, राम भी अवतार थे, लेकिन अवतार होते हुए भी परशुराम में थोड़ा सा दर्प अहंकार था, उसको नाश करके उसके बाद वे पूर्ण हो गए। परशुराम की स्तुति सुनते ही सुनते श्री राम कृष्ण को भावावेश हो गया, रह रहकर राम राम नाम का मधुर स्वर से उच्चारण कर रहे हैं। श्री राम कृष्ण का मन इतना शुद्ध था
जिसे कहते ना कि वो बिल्कुल तैयार है, जरा सा एक संकेत मिलना चाहिए, जरा सा एक इंडिकेशन, जरा सा एक इशारा मिल जाए, जरा सा मौका मिल जाए कि वो भाव हो जाता था, आनंद हो जाता था। इतना सात्विक था, सदा इज ऑलवेज ट्यून टू द स्पिरिचुअल। श्री रामकृष्ण रामलाल से कहते हैं, जरा गुह निषाद की कथा तो सुनाओ। रामलाल भक्तमाल से सुनाते हैं। रामलाल दादा श्री रामकृष्ण के भतीजे, वो श्री रामकृष्ण उनसे गुह और निषाद और की कथा सुनाते हैं। अब ये अध्यात्म रामायण से नहीं है, भक्तमाल से सुना। श्री रामचंद्र जब सत्य के राम की पिता की सत्य रक्षा के लिए वन में गए, तब उन्हें देखकर निषाद राज को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी, गरा रुंध आया और वे काठ की बनी पुतली की तरह निष्पंद होकर अनिमेष दृष्टि से एकटक देखते रहे। धीरे धीरे उन्होंने श्री रामचंद्र के पास जाकर कहा, आप हमारे घर चलें। श्री रामचंद्र ने उन्हें मित्र कहकर भर बाहें फेंटे। निषाद ने आत्मसमर्पण करते हुए कहा, आप मेरे मित्र हुए तो मैं भी आपको अपने प्राणों के साथ अपनी देह अर्पित करता हूं। आप मेरे ही प्राण धन राज्य हैं, आप ही मेरी मुक्ति मेरी भक्ति मुक्ति हैं, आप मेरे सर्वस्व हैं। आपके चरणों में मैं देह समर्पण करता हूं। श्री रामकृष्ण 14 साल वन में रहेंगे और जटावलकल धारण करेंगे। यह सुनकर निषाद राज ने भी जटावलकल धारण किया। फल मूल छोड़कर अन्य कोई भोजन उन्होंने नहीं किया। 14 साल के बाद भी श्री रामचंद्र नहीं आ रहे हैं, यह देखकर गुहा अग्नि प्रवेश करने जा रहे थे। इसी समय हनुमान जी ने आकर संवाद दिया। संवाद पाकर गुहा आनंद सागर में निमग्न हो गए। श्री रामचंद्र और सीता माई पुष्प विमान पर आकर उपस्थित हो गए। ये याद रखिए कि रामायण के बहुत सारे इंटरप्रिटेशन, बहुत सारी उसके ऊपर से कहानियां हैं, बहुत सारी रामायण। दक्षिण भारत में रामायण है, बंगाल में रामायण है, कृतिवास रामायण है, जैन रामायण भी है, बहुत सारी रामायण हैं। और उसमें एक घटना दूसरी घटना के साथ मिली, जैसे ये घटना है तो ये तो भरत जैसी लगती है। यहाँ पर केवल इतना देखने का है कि भगवान राम के साथ में जो भक्ति के संबंध थे उसमें दास्य भाव तो था जो हनुमान का था, उसके साथ वात्सल्य भाव था माँ की, भगवान की जो माताएं कौशल्या भगवान राम को पुत्र के रूप में प्रेम करती थी, और सख्य भाव भगवान को अपना सखा समझना। ये गुहक का दृष्टांत है, विभीषण का दृष्टांत है, वे भगवान राम को अपना सखा समझते थे। लेकिन वह जब सखा के रूप में संबंध अधिक गहरा हो जाता है तब उसके बाद में आत्मसमर्पण भी आ जाता है, यह यहां पर हम देखते हैं। निषाद ने आत्मसमर्पण करते हुए कहा, श्री भगवान राम ने उन्हें अपना मित्र कहा लेकिन उन्होंने आत्मसमर्पण किया। विभीषण को भी उन्होंने मित्र बनाया लेकिन विभीषण ने आत्मसमर्पण किया। आप मेरे मित्र हुए तो मैं भी आपको अपने प्राणों के साथ अपनी देह समर्पित करता हूं, मेरा सर्वस्व मैं आपको सितेता हूं, आप ही मेरे प्राण धन राज्य हैं, आप ही मेरी भक्ति मुक्ति हैं, आप मेरे सर्वस्व हैं, आपके चरणों में मैं देह समर्पण करता हूं। अपना सर्वस्व भगवान को बनाना, यह है मुख्य बात। प्रारंभ में भले ही भगवान को हम थोड़ा सा स्थान देवे अपने हृदय में, लेकिन अंत तो गत्वा अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित करना यह साधना का चरम अंग है, साधना का चरम लक्ष्य। पूर्ण रूप से सब कुछ समर्पित करना, भक्ति मुक्ति कुछ भी सब कुछ। वह एक भजन है जो श्री राम कृष्ण को बहुत प्रिय था, श्री राम कृष्ण वचनामृत में आया भी है, नाथ तुम्हें सर्वस्व अमार, हे नाथ तुम्हें मेरे सर्वस्व हो, प्राणाधार प्राण के आधार हो,
सार के सार हो, तुम्हारे बिना कोई मेरा तीनों लोकों में नहीं है, ऐसा भाव तुम्हें मेरे यह काल हो परकाल हो, तुम्हें मेरे गुरु हो, तुम्हें शास्त्र हो, तुम्हें माता हो, पिता हो, बंधु हो, तुम्हें मेरे प्रिय जन हो, यह भाव भगवान को अपना सर्वस्व बना लेना, यह साधना का भक्ति का चरम उद्देश्य लक्ष्य है। और यहां पर यही बात हम शास्त्रों में सर्वत्र प्राप्त करेंगे, संतों के जीवन में किसी न किसी प्रकार से बार बार इस बात को हम प्राप्त करेंगे। और जब बनाया भगवान को अपना सर्वस्व, तब वे भी निषाद राज भी जैसे भगवान रहते थे उसी प्रकार जटा धारण करके फल मूल खा करके वे रहते थे, और जब तक नहीं आए तब तक उसी प्रकार उन्होंने किया। भक्त वत्सल रामचंद्र ने प्रिय भक्त गुह को देखते ही दृढ़ आलिंगन में बांध हृदय से लगा लिया, दोनों की देह आंसुओं से तर हो गई, निषाद राज गुह धन्य हो गए, चारों ओर से उनका जय जयकार होने लगा। ये भगवान अपने भक्त को उन्होंने पुनः 14 वर्ष के विरह के बाद में पुनः दर्शन दिया। आध्यात्मिक जीवन में, साधना में, भक्ति में ये विरह एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। केवल मिलन ही नहीं, केवल भगवान के साथ में आनंद ही नहीं, उसके साथ में भगवान का विरह भी उसको साधना की दृष्टि से ही नहीं, सिद्धि की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। यह प्रेम का ही एक अंग है। प्रेम का अंग केवल मिलन मात्र नहीं है, प्रेम का विरह भी है। यह बात यहां पर स्पष्ट होती है। भोजन के बाद श्री राम कृष्ण थोड़ा विश्राम कर रहे हैं, मास्टर पास बैठे हुए हैं। इसी समय श्याम डॉक्टर तथा और भी कुछ आदमी आए। श्री राम कृष्ण उठकर बैठ गए और बातचीत करने लगे। दोपहर का समय, खाना खाकर थोड़ा आराम किया, और सामान्यतः रविवार को छोड़कर बाकी दिन तो श्री राम कृष्ण को थोड़ा आराम मिल जाता होगा, लेकिन आज नहीं मिला। श्याम डॉक्टर आ गए हैं। श्री राम कृष्ण कहते हैं, बात यह नहीं कि कर्म बराबर करते ही जाना पड़े, ईश्वर लाभ होने जाने पर कर्म फिर नहीं रह जाते, फल होने पर फूल आप ही जड़ जाते हैं। अब इसके पहले किस बात की चर्चा हो रही थी यह कहना मुश्किल है। अचानक, क्योंकि अभी तो रामचंद्र जी की बात हो रही थी, गुह की बात हो रही थी, ये भक्तमाल पढ़ा जा रहा था, उसके बाद में मास्टर महाशय अचानक कर्म की बात उठाते हैं। संभवतः ये शाम डॉक्टर आए हैं, उन्होंने संभवतः कर्म के संबंध में कोई प्रश्न किया होगा, और इसके उत्तर में श्री राम कृष्ण कहते हैं कि बात यह नहीं कि कर्म बराबर करते ही जाना पड़े, ईश्वर लाभ हो जाने पर कर्म फल नहीं रह जाते, फल होने पर फूल आप ही जड़ जड़ जाते हैं। इसके आगे श्री राम कृष्ण और कहते हैं, जिसे ईश्वर प्राप्ति हो जाती है उसके लिए संध्यादि कर्म नहीं रह जाते, संध्या गायत्री में लीन हो जाती है, तब गायत्री जपने से ही काम हो जाता है, और गायत्री का लय ओंकार में हो जाता है, तब गायत्री जपने की भी आवश्यकता नहीं रह जाती, तब केवल ओम कहने से ही हो जाता है। संध्यादि कर्म कब तक है? जब तक हरि नाम या राम नाम में पुलक न हो, अश्रुधारा न बहे, धन के लिए या मुकदमा जीतने के लिए पूजा आदि कर्म करना अच्छा नहीं इत्यादि। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हमें अच्छी तरह समझना चाहिए। ये कर्म कब तक है? हम संसार में हैं, हमारी जिम्मेदारियां हैं, कर्तव्य हैं। एक भक्त ने मुझे कहा, स्वामी जी आप कहते हैं अनासक्त होकर कर्म करूं। एक कन्या, उनके पिताजी बीमार, वो देख रही है, व्याकुल होकर भगवान को पुकारती है कि पिताजी अच्छे हो जाएं। स्वाभाविक है इस प्रकार का मन में भाव उठना, पर कहा कि आसक्ति कैसे दूर हो, और ये कर्तव्य कर्म, ये तो बोझा, कितना कर्म कर्तव्य हमारा पिताजी करती, कर्तव्य है, आसक्ति है, और ये बंधन का कारण हो जाता है। मैंने कहा, श्री राम स्वामी विवेकानंद कहते थे
जो कर्तव्य कर्म है, ड्यूटी इज अ स्कॉर्चिंग सन, कर्तव्य पिता के प्रति, माता के प्रति, पत्नी के प्रति, पति के प्रति कर्तव्य करना है। कर्तव्य जो है यह तो एक सूर्य के समान है जो तपाता है। जब प्रेम से प्रेरित होकर कोई कर्म करता है तब उसमें कष्ट नहीं होता। मां जब बच्चे को, नवजात बच्चे को जब बड़ा करती है तो कर्तव्य के रूप में नहीं करती, वो तो मन प्राण से उसको प्रेम करती है और इसलिए करती है। लेकिन जहां पर कर्तव्य है वहां पर कष्ट होता है। और दूसरी बात श्री रामकृष्ण यहां पर कहते हैं, ये कर्म कब तक करने पड़ेंगे, और इनमें दो प्रकार के कर्मों की बात है। एक यहां पर संध्या आदि कर्म की बात करते हैं, ये कौन से कर्म है, इन्हें कहते हैं नित्य कर्म। दूसरे होते हैं नैमित्तिक कर्म, तीसरे प्रायश्चित कर्म, चौथे होते हैं नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित, ये तीन कर्म होते हैं। ऑफ कोर्स निषिद्ध कर्म तो करना नहीं, जो नित्य कर्म है आप स्वधर्म कर रहे हैं, संसार में आप गृहस्थ हैं, पिता माता पति पत्नी पुत्र इत्यादि की सेवा इत्यादि करना ये कर्म है। ये कर्म कब तक रहेंगे, और उनका एक संध्या वंदन एक बता दिया। पहले जमाने में संध्या वंदन बहुत महत्वपूर्ण था, गृहस्थ अग्निहोत्र इत्यादि करता था, संध्या वंदन करता था। ये इनका उद्देश्य क्या है, हम सभी कर्म करते हैं, आप भी कर्म कर रहे हैं, हम भी कर्म कर रहे हैं, कर्म का उद्देश्य क्या है। निष्काम कर्म करने की बात करते हैं, अर्जुन को तो युद्ध करने के लिए कहा, उसको त्यागने, अर्जुन तो कहता था कि ये घोर कर्म है, संसार में फंसा देंगे, मैं निकलना चाहता हूं इससे। कृष्ण ने कहा नहीं निकलना। यहां पर श्री रामकृष्ण कहते हैं कि कर्म क्या बराबर करना पड़ेगा, कभी छूटेगा नहीं। अर्जुन छोड़ना चाहता था और भगवान ने छोड़ने नहीं दिया, तो क्या हमेशा कर्म करना पड़ेगा। अर्जुन जब छोड़ना चाहता था तो वह प्रीमैच्योरली छोड़ना चाहता था, उसके लिए तैयार नहीं है, अभी इस अवसर नहीं आया जब वो छोड़ सकेगा। श्री रामकृष्ण भी कहते हैं कि जब फोड़ा पका नहीं, उसके पहले अगर चीरा लगाओगे तो नुकसान होगा, सेप्टिक हो जाएगा, वो सारे शरीर में फैल जाएगा। लेकिन जब पूरा पक जाएगा उसके बाद अपने आप फूट जाएगा, या फिर जरा सा टीरा लगाओगे निकल जाएगा। एक पेड़ है, नारियल का पेड़, उसके ऊपर पत्ता लगा है, और पत्ता जब आप पहले उसको, हरा पत्ता होगा, उसको तोड़ने का प्रयत्न करोगे तो वो तने को छील देगा, लेकिन जब पूरा पक जाएगा पत्ता उसके बाद अपने आप गिर जाएगा। तो कर्म का उद्देश्य है हमारे पकाना, हमें पकाना। ठीक ठीक अगर कोई कर्म करे, निष्काम भाव से कर्म करे, भगवत समर्पित भाव से कर्म करे, फल की आकांक्षा छोड़कर, मैं करता हूं यह बात छोड़कर, भगवान को कर्म और कर्मफल समर्पित करते हुए करे, भगवान में आधा मन लगाकर आधे मन से संसार का कर्म करे, तो एक अवस्था अवश्य ऐसी आएगी जब धीरे धीरे कर्म कम हो जाएंगे, कर्म प्रवृत्ति कम हो जाएगी, और सारे शास्त्रों का उद्देश्य, हिंदू शास्त्रों का उद्देश्य, पर्पस यही है। बहुत सारे कर्मों का वर्णन है वहां पर, ये जैसा मैंने कहा, एक तो कर्मकांड 3/4 से भी अधिक वेदों का है कर्मकांड, कैसे करना, क्या करना, क्या करना, हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए सकाम कर्मों का भी वर्णन। लेकिन आगे चलकर भगवान गीता में निष्काम कर्म की बात, कर्म करो वही कर्म जो वेद में लिखा गया है, जो विहित कर्म है आपके, जो आपके वर्ण और आश्रम के अनुसार कर्म है उनको अवश्य करो, लेकिन निष्काम भाव से करो। और जब इस प्रकार कर्म करोगे तो धीरे धीरे कर्म से मन हटने लगेगा, कर्म में जो प्रवृत्ति है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, आपकी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी, सकामता कम हो जाएगी, और अंत में ये कर्म अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएंगे, आपको छोड़ना नहीं पड़ेंगे, छूट जाएंगे। यानी क्या होगा, कर्म की प्रवृत्ति मन में नहीं उठेगी, उसके बाद में संकल्प नहीं उठेंगे यह कर्मा नहीं करना,
इसको कहते हैं संकल्प प्रभवान कामान सर्वान त्यक्त्वा शेषतः, भगवान गीता में इस बात को कहते हैं। तो श्री रामकृष्ण यहां पर कहते हैं कि क्या कर्म बराबर करते रहना पड़ेगा? नहीं, ईश्वर लाभ हो जाने पर कर्म फिर नहीं रह जाते, फल होने पर फूल आप ही झड़ जाते हैं। भगवान का दर्शन ये तो जीवन का चरम उद्देश्य, उसके बाद में फिर विधि निषेध नहीं रहता। ये संध्या वंदना इतनी करना, इतनी नहीं करना, इतनी करना, इतनी नहीं करना, ये सब नहीं रहता। जिसका पर्पस है वो हो गया। बच्चा उसको स्कूल में जो वो जब अल्फाबेट सीखता है तो वो उसकी किताब होती है ना अल्फाबेट की, ऐसा ऐसा करके ऐसा लिखना पड़ता है, ऐसा लिखना पड़ता है। एक बार जब लिख दिया उसके बाद किताब की क्या जरूरत है, उसके बाद में तो फटाफट फटा करता चलेगा बिना किसी आवश्यकता है, बिना किसी मदद के वो करता चले जाएगा। तो श्री राम कृष्ण यही कहते हैं कि जिसे ईश्वर प्राप्ति हो जाती है उसके लिए संध्यादि कर्म नहीं रह जाते, वो तो साधन है। जब साध्य प्राप्त हो गया, जब लक्ष्य प्राप्त हो गया, तो उसे साधन की क्या आवश्यकता, वह अपने आप छूट जाते। तब गायत्री जपने से ही काम हो जाता है, संध्या गायत्री में लीन हो जाती है, गायत्री जपने से ही काम हो जाता है। पूरी संध्या बैठकर पौरा क्रिया अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है, गायत्री जप किया उससे हो गया। गायत्री का लय ओंकार में होता है, तब गायत्री की भी आवश्यकता नहीं रहता है, केवल ओम कहने से हो गया। एकाग्र मन से जब किया जाए तो ओम कहने से ही हो जाता है, उसके बाद में इतने क्रियाकलाप करने की आवश्यकता नहीं। प्रत्येक व्यक्ति को देखना है वह रेजिस्टेंट, वो कहां पर है, कौन सी सीढ़ी पर है। वो ओम करेगा, अभी तो पूरा मन चंचल है, कर्म की प्रवृत्ति बनी हुई है, कहेंगे नहीं कुछ नहीं, संध्या वंदना नहीं करता हूं, श्री राम कृष्ण ने बोला है ओम, गायत्री ओम में लीन हो जाती, मैं सिर्फ ओम करूंगा। अरे ओम में मन तो लगता नहीं, ओम बोलते हो मन तो भाग रहा है, कर्म की प्रवृत्ति बनी हुई है। अरे बाबा उसके बदले गायत्री जप करो, वही नहीं संध्या वंद भी करो। कहां पर हो, वेयर यू स्टैंड, उसको देखकर उसके आगे बढ़ना चाहिए। संध्यादि कर्म कब तक है? जब तक हरि नाम या राम नाम में पुलक न हो, अश्रु धारा न बहे, धन के लिए या मुकदमा जीतने के लिए पूजा आदि कर्म करना अच्छा नहीं। ये तो बाद में बोले श्री रामकृष्ण, यह और भी निकृष्ट चीज बताई। श्री रामकृष्ण कहते हैं हरि नाम या राम नाम से पुलक न हो, अश्रु धारा न बहे। श्री राम कृष्ण के जीवन का ही सुंदर दृष्टांत है। श्री राम कृष्ण वचनामृत में भी संभवतः आएगा, अभी तक नहीं आया शायद। श्री राम कृष्ण हाजरा महाशय के पास पहुंच गए। आप जानते हैं श्री राम कृष्ण के गांव के पास में ही हाजरा महाशय रहा करते थे। वो श्री राम कृष्ण के पास आके रह गए, थोड़े निष्ठावान थे, थोड़ा भजन वजन जप करते थे। वो उत्तर दक्षिण वाले जो दक्षिण पूर्व वाला बरामदा है वहां अपने आसन लगा के और जप किया करते। सारा कैंपस जो है वह धार्मिक है, वहां बैठकर जप करो तो कोई ठीक ही है, जप किया करते थे। एक दिन मास्टर महाशय भी थे और कोई बैठे हुए थे हाजरा के पास, श्री राम कृष्ण वहां पर पहुंच गए और पहुंच कर कहा अच्छा देखो तो देव तो मुझे माला देव तो मैं जप करता हूं। और श्री राम कृष्ण ने माला ली, जो जप करने लगे समाधिस्थ हो। कैसी अद्भुत स्थिति, एक बार जप करते ही समाधिस्थ, जप नहीं कर पाए। जब एक बार हरिनाम लेने से पुलक हो जावे, आंखों से आंसू बह जावे, तो फिर जप की क्या आवश्यकता, जप का उद्देश्य क्या है? जप का उद्देश्य है भगवान में मन लगाना। मन चंचल है, भाग रहा है, इसलिए वो जप करना। जप का अर्थ क्या है? मानो एक सीधी लाइन में डॉट्स देना, राम 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 राम, ऐसा एक लाइन। और ध्यान क्या है? दोनों को मिला दो। इंटरप्टेड मेडिटेशन इज जप, कंटिन्यूस मेडिटेशन इज ध्यान। जब व्यवधान के साथ ध्यान होता है तब जप, और जब मन में बहुत सारे विचार उठे तब अगर निरंतर जप करें तो धीरे धीरे मन शांत हो जाता है, मन ध्यान का ध्यान प्रवण बन जाता है। यह जप का उद्देश्य है। अगर ध्यान होने ही लग गया, अगर समाधि होने ही लग गई, तो फिर जप की क्या आवश्यकता? तब तो फिर जप, जप का अर्थ क्या? जब हम भगवान का नाम लेते हैं
तो पतंजलि ने कहा है तद जपह तद अर्थ भावपन भावनम, भगवान के नाम का जप करो और उसके अर्थ का चिंतन करो। तो जप से भगवान के अर्थ का, भगवान का चिंतन आना चाहिए, और जब भगवान का चिंतन, भगवान के प्रति प्रेम हो गया तो फिर जप की क्या आवश्यकता रह गई। एक बार भगवान का नाम लेते ही भगवान का स्मरण हो आया, भगवान में प्रेम उमड़ आया, भगवान के नाम से, नाम लेते ही भगवान के से प्रेम के कारण आंखों में आंसू आ गए, फिर जप की क्या आवश्यकता। तो अगर किसी व्यक्ति के में भगवान के प्रति प्रेम स्थायी हो गया, भक्ति हो गई, फिर जप नहीं। और ये तो बात एक संभवतः ये लगता है कि इसको अगर हम एडिट करने बैठे ना तो इस लाइन को हम कट करके दूसरी जगह पेस्ट कर देंगे। धन के लिए या मुकदमा जीतने के लिए पूजा आदि कर्म करना अच्छा नहीं, ये उच्च कोटि की बात कर रहा है। ये बात यहां पर इसके पहले लगा देते तो लगता है कि अच्छा होता। एक भक्त कहते हैं धन की चेष्टा तो मैं देखता हूं सभी करते हैं। केशव सेन को भी देखिए किस तरह महाराजा के साथ उन्होंने अपनी लड़की का विवाह किया। अब बात दूसरी चालू हो गई। श्री राम कृष्ण ने पूजा आदि कर्म, मुकदमा जीतने, धन प्राप्त करने के लिए नहीं करने के लिए कहा। यह है एक निकृष्ट प्रकार की भावना। भगवान की पूजा प्रार्थना करने के लिए कहा करते हैं, धन के लिए, अर्थ के लिए या अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, अर्थ और काम के लिए भगवान की उपासना करना, श्री रामकृष्ण कभी इसको श्रेष्ठ नहीं बताते। लेकिन भक्त कहते हैं कि प्रश्न तो होता है कि भाई धन की तो आवश्यकता सबको है, संसार में है, गृहस्थी में है, तो धन की तो आवश्यकता है। देखिए केशव चंद्र सेन की बात देखिए, किसने, किस तरह महाराजा के साथ उन्होंने अपनी लड़की का विवाह किया। और इस संबंध में केशव सेन के ब्राह्म समाज के अंदर बहुत बवाल उठा था, बहुत बवाल उठा था। उन्होंने एक ऐसा विवाह किया था जो ब्राह्म समाज में भी उनके बनाए गए नियमों के अनुसार भी नहीं था। वो ब्राह्म समाज जो उनकी संस्था थी उसमें थोड़ा भजन वगैरह तो हुआ करता था, भक्ति हुआ करती थी, लेकिन वो लोग थोड़ा सोशल रिफॉर्म जिसे कहते हैं ना, सामाजिक संस्कार, समाज के उत्थान इत्यादि के लिए भी वे लोग कर्म किया करते थे। और उसमें उन्होंने एक नियम ऐसा बनाया था, मुझे ठीक ठीक याद नहीं है, कि कोई भी व्यक्ति किसी कन्या का छोटी उम्र में विवाह नहीं करेगा। और केशव चंद्र सेन ने अपनी कन्या का, शायद 13 वर्ष की थी, उसका विवाह उन्होंने एक बड़े जमींदार के घर पे कर दिया था। अपनी कन्या के कल्याण के लिए उसको सोच समझ के स्थिर किया था। और इसके ऊपर उनके बहुत सारे विरोधी हो गए थे, उनका समाज जो है ब्राह्म समाज का विभाजन हो गया था। और एक नव विधान, ये ना कुछ साधारण ब्राह्म समाज या दूसरा एक ब्राह्म समाज वो बन निकला था। तो श्री राम कृष्ण से उन्होंने कहा कि आप कहते हैं भक्त की चेष्टा, केशव सेन्द्र इतना बड़ा भक्त, इतने बड़े भक्त थे श्री राम कृष्ण के, परम भक्त, उनको लोग मानते थे, ब्राह्म समाज के नेता थे, आध्यात्मिक व्यक्ति थे, ध्यान करते थे, श्री राम कृष्ण कहते थे कि इसका ध्यान ठीक ठीक होता है, बाकी लोगों का ध्यान इधर उधर भागता है लेकिन केशव चंद्र साहित का ध्यान ठीक होता है, ऐसे व्यक्ति ने भी ऐसा काम किया। श्री राम कृष्ण कहते हैं केशव की बात दूसरी है, जो यथार्थ भक्त है वह अगर चेष्टा न भी करे तो भी ईश्वर उसके लिए सब कुछ जुटा देते हैं। जो ठीक ठीक राजा का लड़का है वह मुशाहरा पाता है, वकील आदि की बात में नहीं कहता, जो मेहनत करके दूसरों की दास्ता करके रुपये कमाते हैं। मैं कहता हूँ ठीक राजा का लड़का जिसे कोई कामना नहीं, वह रुपया पैसा नहीं चाहता, रुपया उसके पास आप ही आता है। गीता में कहा है यदि इच्छा लाभ, इसकी चर्चा हम अगली बार